नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज कर्मशील। आज हम अपने खास कार्यक्रम चुनावी मंथन में कांग्रेस के कद्दावर नेता और विक्रम विधायक सिद्धार्थ सिंह जी के पास मौजूद हूं। आइए हम इनसे जानते हैं बिहार की राजनीति और आगामी चुनाव के बारे में। सिद्धार्थ जी, नेशन 24 में आपका धन्यवाद। विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या लगता है इस बार चुनाव की ऊँट किस ओर बैठेगी? देखिए, चुनाव में सबसे बड़ी जो आज मुद्दा है वो है कि बिहार जो 11 करोड़ से ज़्यादा आबादी जो नौजवानों की है, बिहार के लोगों की है, उसमें 60% यानी 6 करोड़ से ज़्यादा जो नौजवान हैं और उसमें भी शिक्षित बेरोजगार हैं, ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होना चाहिए। नीतीश कुमार जी पिछले 15 साल में कोई भी ऐसा योजना अथवा काम नहीं किए जिससे बिहार में छोटा हो या बड़ा हो उद्योग स्थापित हो और इससे लोगों को रोज़गार मिल सके। आज बिहार में जो पढ़ लिख भी गए, जो शिक्षित हो गए, वो भी रोज़गार के लिए बाहर चले गए, पलायन कर गए, और जो नहीं पढ़ पाए लेबर क्लास के लोग थे वो भी आज पलायन कर गए और बाहर चले गए। कोरोना की महामारी के बीच में भी उन लोगों के प्रति सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की कितनी संवेदना रही, ये पूरा बिहार देख चुका है और सारा हिंदुस्तान जान चुका है कि बिहार भी एक ऐसा राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री हैं और 2 महीना लगातार निरंतर कोई भी ऐसा काम इन्होंने नहीं किया जिससे प्रवासी मजदूर जो थे, गरीब जो थे, दुखिया जो थे, जो घर परिवार सब कुछ त्याग करके अन्य राज्य में जाकर रोजी रोटी को तलाश कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे, उनके प्रति इनकी क्या संवेदना थी, क्या प्रेम था, क्या भाव था, ये सारा बिहार भी जान गया है और पूरा हिंदुस्तान भी जान गया है। आप खुद कल्पना कीजिए कि 2 महीना में बिहार सरकार कुछ नहीं कर सका उन लोगों के लिए। 1000 खाता में जाएगा, 1000 रास्ते में रह गया, 9 लाख पंचायत में आएगा, कहाँ पंचायत में 9 लाख आया, हम लोग को तो पता भी नहीं चला कि पंचायत में 9 लाख कहाँ गया। तो हर तरह से पूरे कोरोना के समय भी पूर्ण रूप से बिहार सरकार फ्लॉप रहा। और सबसे दुख की बात रही कि काम करना न करना तो अलग बात है, कहीं मुख्यमंत्री जी नेतृत्व भी नहीं किए, जाकर इस संकट काल में जनता को ढाढ़स भी नहीं बताए और 2-4 शब्द प्रेम का, सहानुभूति का, संवेदना का भी प्रकट नहीं कर पाए बिहार के मजदूरों के लिए। क्या कारण लगता है कि मुख्यमंत्री हो या उनके महकमे के जो भी मंत्री हो, वो नहीं निकले या फिर संतावना जो है मजदूरों को नहीं दे पाए, आम बिहार के जनता को नहीं दे पाए, उनको उनकी स्थिति पे छोड़े, क्यों, क्या कारण समझे? टेकन फॉर ग्रांटेड, ये लोग जो हैं बिहार की जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं कि लोग जाएंगे कहाँ घूर फर कर हमको मतदान करेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझ चुकी है इनके ढकोसले वादों को, इनके झूठे नीति को, और जिस तरह से आज भ्रष्टाचार हावी है पूरे बिहार की व्यवस्था पर, जिस तरह से आम नागरिक प्रतिदिन शोषित हो रहा है, अपमानित हो रहा है, इसका करारा जवाब देने के लिए बिहार की जनता जागृत हो चुकी है, एकत्रित हो चुकी है और जात पात से ऊपर उठ के इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मतदान करेगी बिहार की जनता। यानी कि आप कह रहे हैं कि जैसे सृजन घोटाला है, बहुत सारे घोटाला, वर्दी घोटाला और स्टाफ घोटाला, इसी टाइप का क्या बिहार में कोरोना घोटाला भी देखने को मिलेगा इस सरकार के कारण? इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ घोटाला है, काम है ये नहीं है, नीचे से ऊपर सब तय है और जो जहाँ पर है अपने में मगन है और लूट के लेके भाग रहा है। प्रशासन है से बालू और आलू में लगा हुआ है, दिन भर बालू तसील रहा है, दारू तसील रहा है, करोड़ों का तसीली हो रहा है। जो अधिकारी है जहाँ है अपना कमीशन बंधा हुआ है, उसी हिसाब से काम कर रहा है और वही विकास का नाम दे के लूट चालू है। बीजेपी अभी वर्चुअल रैली करने जा रही थी 9 तारीख को, फिर अचानक उसने अपना डेट किया 7 तारीख को, क्यों करना पड़ा? ये सब से कुछ नहीं होगा, कोई वर्चुअल रैली और रियलिटी शो से यहाँ काम होने नहीं जा रहा है। जनता जागृत हो चुकी है, समझ चुकी है, नीतीश जी और मोदी जी के नारों से आज जनता समझ गया है कि लोग सिर्फ बोलने वाले लोग हैं, जमीन पर करने वाले लोग नहीं हैं और आगे आने वाले समय में इनको माकूल जवाब जनता देगा। वहीं तेजस्वी जी भी 9 तारीख को पत्रकार रैली करने की बात की है, लेकिन उन्होंने भी फिर 7 तारीख को कहा कि यदि ये करेंगे तो हम 7 तारीख को पत्रकार रैली करेंगे, फिर इनका क्या बेहतर जवाब वही लोग देंगे, ये प्रश्न उन्हीं से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं कि बिहार में कांग्रेस का अभी जो स्थिति है और आगामी चुनाव है उसमें क्या अहम रोल रहेगा कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी बिहार में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इस बार बिहार की राजनीति में और ज़्यादा सक्रिय होके, और हमारा संभावना है कि
50 से 60 विधायक कांग्रेस के चुन के इस बार आएंगे विधानसभा में, और पूरी मजबूती के साथ यहाँ कांग्रेस के प्रति जो लोगों का रुझान है, जो विश्वास है, वो बढ़ा है। हर जगह लोग छला गया है, हर जगह लोग अपमानित हुआ है, शोषित हुआ है। तो आज पुराने घर में लोगों का जो असली घर है, जिस घर ने आज़ादी दिलाया, जिस घर ने इस देश को सम्मान दिलाया, उस घर में सारे जनता लौट के आएंगे और पूरे ताकत के साथ और सभी समाज को एक साथ लेकर संयुक्त कर कांग्रेस को चलने का जो राजनीति है इसको आगे बढ़ेगा इस बार इस दिशा में। तो अभी हमारे साथ विक्रम विधायक सुधेंद्र सिद्धार्थ जी थे, उन्होंने बताया कांग्रेस इस बार 50 से 60 के करीब सीट लाएगी और मजबूती के साथ इस बार चुनाव में उतरेगी और जीत हासिल भी करेगी। आप देखते रहिए नेशन 24। नमस्कार।